हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है करवा चौथ स्पेशल, हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का जो श्रृंगार हुआ था उस पर। आशा करती हूँ आप सभी को लास्ट वीडियो जो कि करवा चौथ व्लॉग की थी वो बहुत पसंद आई होगी। तो आप सभी ने देख लिया हमारे लाडली का, लड्डू का किस तरह से श्रृंगार हुआ था, किस तरह से हमारे ठाकुर जी ने और हमारी राधा रानी ने करवा चौथ जो है वो मनाया। यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो पोशाक है, जिस तरह मैंने आप सभी से शेयर कर दिया था कि ये पोशाक मैंने स्टिच करवाई थी लाडो के लिए, हमारे राधे श्याम जी के लिए, और सभी इस पोशाक को पहनकर बहुत प्यारे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की पोशाक स्टिच कराना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो जो है करवा चौथ की तैयारी का वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक और न्यू वीडियो शेयर करूंगी, जो भी मैंने ड्रेसेस राधे श्याम जी के लाडली के सिलवाए हैं, स्टिच करवाए हैं, तो वो सारी ड्रेसेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से शेयर करूँगी, ताकि आप सब भी जान सकें, आप सबको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। यदि आप अपने गोपाल जी के लिए डिज़ाइनर पोशाक सिलवाना चाहते हैं, अपने ठाकुर जी के लिए सिलवाना चाहते हैं, तो आप कहाँ से सिलवा सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर हो रहा है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार। मेरी बहुत इच्छा थी कि इस तरह की जो पोशाक है वो ठाकुर जी पहने, और जिन्होंने जिनसे मैंने ये स्टिच कराई है उनके कारण ये इच्छा मेरी पूर्ण हुई। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लास्ट वीडियो में, जो करवा चौथ की तैयारी वाला वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उस पर मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। यहाँ पर लग रही है हमारी लाडली के और हमारी राधा रानी की मेहंदी। तो लाडली की मेहंदी आप सभी ने देख ही ली होगी, राधा रानी की मेहंदी लग रही है और आप सभी देख सकते हैं। तो बहुत प्यारी लग रही थी हमारी राधा रानी, लाडली भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और आज ठाकुर जी ये पोशाक पहनकर इतने प्यारे लग रहे हैं। तो ये एक मेरी बहुत पहले की इच्छा थी जो पूर्ण हुई। मुझे इस तरह की पोशाक इन्हें काफ़ी दिनों से मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसी पोशाक इन्हें पहनाऊंगी, तो ठाकुर जी ने अब मेरी इच्छा पूर्ण की। और देखिए, यहाँ पर रात में जो करवा चौथ सेलिब्रेशन था वो चल रहा था, तो चांद जो है काफ़ी लेट निकला था, और हमारे लाडली और लड्डू की जो करवा चौथ की पूजा थी वो आपने देख ही ली होगी। ये श्री विग्रह मैं ऊपर छत पर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए यहाँ पर हमने ही इन्हें जो है चंद्रमा का स्वरूप मानकर और फिर किया था करवा चौथ का पूजन। तो से ये जल लगवा कर फिर मैंने राधा रानी के दिया था, और हमारा जो करवा चौथ पूजन है वो पूर्ण हुआ। उसके बाद मैंने जो भी भोग में बनाया था, भोग के लिए बनाया था, यहाँ पर खीर बनाई थी, तो उसका ही भोग मैंने सभी को लगा दिया था। फिर हमने किया था डिनर। तो फ्रेंड्स, लास्ट करवा चौथ जो वीडियो है वो मैंने शेयर की हुई है, आप सब चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे मैंने सेलिब्रेट किया था करवा चौथ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। यदि आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके कोई सजेस्ट किए हुए रिक्वेस्टेड वीडियोस चैनल पर अपलोड हों, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, जय श्री कृष्णा।